नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयाल। बिग बॉस के घर में कैप्टेंसी को लेकर टास्क हुआ। कैप्टेंसी का ये टास्क करणवीर वोहरा, रोमिल चौधरी, मेघा धाड़े और सोमी खान के बीच हुआ। इसमें संचालन की भूमिका दीपिका कक्कड़ ने अदा की थी, लेकिन दीपिका संचालन की भूमिका को लेकर जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रॉल हो गई है। लोगों का गुस्सा दीपिका कक्कड़ पर जबरदस्त तरीके से फूटा है। दरअसल दीपिका ने पूरी तरह से ये कोशिश की कि उनके खास दोस्त करणवीर वोहरा ही इस टास्क को जीते, और इस कोशिश में वो काफी हद तक सफल भी हुई। दीपिका के संचालन को लेकर श्रीसंत से लेकर रोमिल, सोमी खान और सुरभि राणा ने काफी कुछ कहा, लेकिन दीपिका सबसे यही कहती हुई नजर आई कि उन्होंने संचालन की भूमिका अच्छे से निभाई है और इसका पता कल चल जाएगा। आपको बता दें कि दीपिका के खराब संचालन को लेकर सिर्फ घरवाले ही नहीं बल्कि फैंस भी बुरी तरह निराश हो चुके हैं। फैंस लगातार दीपिका को लेकर ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं। कोई दीपिका के संचालन को घटिया कह रहा है तो कोई कह रहा है कि दीपिका की चालाकी उन पर ही भारी पड़ जाएगी। इतना ही नहीं, कई लोगों ने दीपिका कक्कड़ को घटिया और घमंडी औरत भी कहा है, जबकि कई लोगों ने बकायदा दीपिका कक्कड़ की चालाकी के सबूत भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं। दीपिका कक्कड़ के संचालन की भूमिका को पूरी तरीके से अनफेयर बताया जा रहा है। हालांकि दीपिका लगातार अपनी संचालन की भूमिका को लेकर सफाई पेश कर रही है, लेकिन शायद उनकी ये सफाई फैंस को रास नहीं आई है। आपको ये भी बता दें कि आज सलमान खान भी दीपिका कक्कड़ की क्लास लगाएंगे, क्योंकि दीपिका कक्कड़ के संचालन से सलमान खान भी खुश नजर नहीं आए। हाल ही में घर में हीना खान ने एंट्री ली थी। इस दौरान हीना ने दीपिका पर आरोप लगाते हुए कहा था कि आपकी हर एक गतिविधि श्रीसंत के आसपास होती है, साथ ही वो इस शो में नजर नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि दीपिका ने हीना खान की बात को सीरियसली ले लिया है, लिहाजा लाइमलाइट में बने रहने के लिए वो कुछ न कुछ ऐसा कर रही है जिससे वो लोगों की नजरों में आ जाए। बहरहाल देखना ये होगा क्या दीपिका को इस चालाकी से फायदा होगा। खैर, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।